अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं माय डीप थॉट्स। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसी अहादीस मुबारक लेकर आया हूं जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पैदा हुए एक ऐसे बच्चे के बारे में हैं जिसमें अजीब व गरीब खसलतें थीं, जिसका मामला हर एक को शुबे में डाल देता था, हत्ता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शक हो रहा था कि आया यही दज्जाल है या नहीं। और ये बच्चा इब्ने सय्याद के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के बाप के घर 30 साल तक कोई बच्चा पैदा ना होगा, फिर एक लड़का पैदा होगा जिसकी एक आँख खराब, एक दांत बाहर निकला हुआ होगा, वो भी निकम्मा होगा, सोते में अगरचे उसकी आँखें बंद होंगी मगर उसका दिल होशियार रहेगा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके माँ बाप का नक्शा बयान फरमाया कि उसका बाप लंबा जुरेरे बदन वाला, चोच की तरह उसकी नाक होगी, उसकी माँ के दोनों पिस्तान बड़े बड़े लटके हुए होंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने मदीने में यहूद के घर एक इसी किस्म के लड़के की पैदाइश सुनी, तो मैं और ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके देखने के लिए गए। जब उसके माँ बाप के पास पहुँचे तो देखा कि वो ठीक उसी सूरत के थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। हमने पूछा, तुम्हारा कोई बच्चा है? उन्होंने कहा, 30 साल तक तो हमारा कोई बच्चा नहीं था, इसके बाद अब एक लड़का पैदा हुआ है जिसकी एक आँख खराब है, उसका एक दांत बाहर निकला हुआ है, वो बिल्कुल निकम्मा है, उसकी आँखें सोती हैं मगर उसका दिल खबरदार रहता है। हम जो उनके घर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि वो धूप में अपनी चादर में लिपटा हुआ कुछ गुनगुना रहा है। उसने अपना सर खोलकर कहा, तुम क्या बातें कर रहे थे? हमने कहा, क्या तुमने हमारी बातें सुन ली? वो बोला, हाँ, मेरी आंखें ही सोती हैं और मेरा दिल जागता रहता है। एक और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। नाफे इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि मदीने की किसी गली में इब्ने उमर की इब्ने सय्याद से मतभेड़ हो गई, तो उन्होंने उसे कोई ऐसी बात कह दी जिससे उसे गुस्सा आ गया, तो वो फूलने लगा और ऐसा फूला कि सारी गली उससे भर गई। इसके बाद इब्ने उमर अपनी हमशीरा हज़रत सय्यदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए कि उनको कहें। ये किस्सा पहले ही उन तक पहुँच चुका था। उन्होंने फरमाया, ए इब्ने उमर, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, तुमने उसे फजूल छेड़ा, तुम्हारा क्या मतलब था? क्या तुमको ये बात मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल जब निकलेगा तो किसी बात पर गज़बनाक होने की वजह से ही निकलेगा। एक और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा मक्के के सफ़र में मेरा और इब्ने सय्याद का साथ हो गया, तो वो मुझसे कहने लगा, लोगों से मुझको तकलीफ़ पहुंचती रही है, मेरे मुतालिक ये गुमान रखते हैं कि मैं दज्जाल हूँ। क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते नहीं सुना कि उसकी औलाद नहीं होगी और मेरी तो औलाद है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि वो काफिर होगा और मैं तो मुसलमान हूँ? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि वो ना मदीने में दाखिल हो सकेगा ना मक्के में? और देखो, मैं मदीने से तो आ रहा हूँ और अब मक्के जा रहा हूँ। ये सब कुछ सुनकर आखिर में कहने लगा, खुदा की कसम, अलबत्ता मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पैदा हुआ और अब वो कहाँ है, और मैं इसके माँ बाप को भी खूब पहचानता हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये दो रुखी बातें बनाकर उसने मुझको शुबे में डाल दिया। मैंने उससे कहा, खुदा तुझे हलाक करे। फिर किसी ने उससे कहा, अगर वो दज्जाल तू ही हो तो क्या ये बात तुझे पसंद होगी?
उस पर वो बोला, अगर मुझको दज्जाल बना दिया जाए तो मुझको कुछ बुरा भी नहीं लगेगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और आगे अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।